हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी हम अलार्म रिंगटोन को कैसे सेट चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने जाए तो आपको पहले क्या करना है, मोबाइल सेटिंग में जाना है तो मोबाइल सेटिंग चलेंगे और ये हमारा रेडमी का फ़ोन दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ मैं करना क्या, ये आपको मोबाइल सेटिंग का आइकन दिया हुआ है जिसको हम कर लेंगे ऐसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं मोबाइल सेटिंग को। मोबाइल सेटिंग को ओपन करने के बाद कैसे आपको करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दिए हुए, बट आपको करना है बजाना है आपको साउंड ऑफ वाइब्रेट पे। तो आपको जो साउंड ऑफ वाइब्रेट दिया गया हम इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद कैसे आपको करना है अलार्म रिंगटोन को चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अलार्म रिंगटोन को। फिर आपको गाइस क्या करना है, यहाँ आपको जाना है अलार्म रिंगटोन चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, प्राइम इंस्टॉल रिंगटोन पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जैसे आपको दिया हुआ है तीन ऑप्शन, फोन रिंगटोन, अलार्म रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन साउंड। तो गाइस आपको क्या करना है अलार्म रिंगटोन पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए, बट सॉरी रिंगटोन दिए हुए हैं, जैसे आपको चेंज करना है तो मैं आपको चेंज करना बताऊँगा। तो गाइस जैसे मैं ये वाला रिंगटोन रख लेता हूँ, ये जो आपका रिंगटोन है आपका चेंज हो चुका है। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।